दैव प्रशंसा श्लोक क्रमांक 88 से 93 दी वर्स नंबर्स 88-93 श्लोक क्रमांक 88 वर्स नंबर 88 नेतायस्य बृहस्पति प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रह किल हरैरैरावतो वारणः इत्यैश्वर्य बलान्वितोऽपि बलभिद् भग्नस्परैः संगरे तद्व्यक्तं वरमेव दैव शरणं दिग्दिग्वृथा पौरुषं वृत्त शार्दूल विक्रीडित अन्वय यस्य नेता बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सैनिकाः सुराः दुर्गं स्वर्गः हरेः अनुग्रहः खलु वाहनम् ऐरावतः इति आश्चर्य बल अन्वितः अपि बलभिद् भग् संगरे परैः भग्नः तत् व्यक्तं दैवम् एव ननु शरणं पौरुषं वृथा दिक् दिक् इंद्र भी संग्राम में शत्रुओं से हारा यद्यपि उस पर हरि का अनुग्रह था और वह ऐसे ऐश्वर्य और बल से संयुक्त था यथा बृहस्पति उसके मंत्री जैसे देवतागण की सेना स्वर्ग ऐसा गढ़ और ऐरावत जगने को हाथी इससे यह विदित होता है कि दैव ही का शरण योग्य है पुरुषार्थ वृथा है और उसको धिक्कार है इंद्रा वॉज गाइडेड बाय बृहस्पति एंड वॉज आर्म्ड विद द थंडरबोल्ट द डीटीज वेयर हिज सोल्जर्स स्वर्ग वॉज हिज सिटेडेल ऐरावता वॉज हिज एलिफेंट ही वॉज अनडाउटेडली द फेवरेट ऑफ हरि दो ही हैड ऑल हिज रेटिन्यू एंड वॉज एंडाउड विद पावर स्टिल ही वॉज डिफीटेड इन बैटल बाय हिज एनिमीज Hence, evidently, the power of fate is all in all. Oh, fie on vain human effort. Shloka Kramanka Navasi Karmayattam phalam pusam buddhi karmanusarini tathapi sudhiya bhavyam suvicharyaiva kurvata vritta anashto Anvay पुंसाम फलम कर्मायत्तम कर्मानुसारिणी बुद्धि तथापि भाव्यम कुर्वता सुधिया सुविचार्या एव यद्यपि पुरुषों के अपने पूर्व जन्म से किए हुए कर्म का ही फल मिलता है और बुद्धि उस कर्म के अनुसार ही होती है तथापि बुद्धिमानों को उचित है कि भली भांति विचार कर कार्य करें The position of man depends on his past deeds. His proclivities too are in keeping with those deeds. However, a wise man should conduct himself with great circumspection. Shloka Kramanka 90, verse number 90. Khalvato divaseshwarasya kiranaih santapito mastake वाञ्छन्देशमतातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः वृत्त शार्दूल विक्रीडित अन्वय दिवस ईश्वरस्य किरणैः मस्तके संतापिते अनाततपं देशं द्रुतगतिः गच्छन् कोऽपि खल्वाटः तालस्य मूलं गतः तत्रापि पतता महाफलेन अस्य शिरः सशब्दं भग्नम् यत्र दैवहतकः गच्छति तत्र एव प्रायः आपदः यान्ति किसी चंदुला पुरुष का मस्तक जब सूर्य की किरणों से तपने लगा तो वह छाया का स्थान ढूंढता हुआ दैव योग से एक ताड़ के नीचे खड़ा हुआ वहां जाते ही शीघ्र एक बड़ा फल उस पर गिरा और उसके तड़ाके साथ उसका शिर टूट गया
इसका तात्पर्य यह है कि अभागे लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ विपत्ति भी उनके पीछे पीछे जाती है। A bald headed man was scorched on his head by the rays of the sun, and anxious to find a shady place, went under the influence of fate to the foot of a palm tree. While there, a large fruit of the tree fell on his head, making a loud noise, and broke it. Generally, calamities follow the unfortunate man, wherever he may happen to go. Shloka Kramanka 91, verse number 91. Shashidiva karayor graha pidanam, gajabujangamayor api bandhanam, matimatancha vilokya daridratam, vidiraho balavaniti me matihi. वृत्त द्रुत विलंबित। अन्वय गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकर यो ग्रह पीड़नम मतिमताम दरिद्रतांच समीक्ष अहो विदेहि बलवान इति मे मति। चंद्रमा और सूर्य राहु ग्रह ये पीड़ित, हाथी और सर्प ऐसे पराक्रमी जो बंधन में पड़े, और बुद्धिमानों को दरिद्र देखकर मुझे बड़ी निश्चय होता है कि अरे दैव गति ही बलवान है। When I see the sun and the moon exposed to the assaults of the demon Rahu, when I behold the bonds of the elephant and the serpent, when I find the wise in poverty, then the thought strikes me, how powerful is fate. Shloka Kramanka 92 verse number 92. Srujati tavadashesha gunakaram purusharatnam alankaranam bhuvah tadapi tatkshana bhangi karoti chet aha kashtam apanditata videhe. Vritta druta vilambit. Anvay ashesha gunakaram bhuvah alankaranam purusharatnam विधि सृजति तावत् तदपि तत्क्षणभंगी करोति चेत् अहः विधेः अपंडितता कष्टम्। पहले विधाता पुरुष रत्न को सब गुणों की खान और संसार का अलंकार बनाता है, तथापि उसका जीवन क्षणभंगुर ही कहता है। आह, खेद की बात है कि इस विषय में विधि भूल करता है। The Creator first creates a jewel among men, a very mine of all virtues, and an ornament of the world, then in a moment breaks him down. Oh, alas, how unreasonable is the action of the Creator. Shloka Kramanka 93, verse number 93. Patran naiva yada karira vitape dosho vasantasya kim नो लूकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्। धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम्। यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। वृत्त शार्दूल विक्रीडित। अन्वय यदा करीर विटपे न पत्रम एव वसंतस्य किं दोषः। यदि उलूकः दिवा न अवलोकते सूर्यस्य किं दूषणम्। चातकमुखे धारा न पतन्ति एव मेघस्य किं दूषणम्। यत् विधिना पूर्वं लाट लिखितं तत् मार्जितुं कक्षमः। जो करीर वृक्ष से पत्ते नहीं लगते तो इसमें वसंत का क्या दोष है। दिन में जो उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। चातक के मुख में जो जल की धारा नहीं पड़ती तो इसमें मेघ का क्या दोष है। इससे यह सिद्ध है कि जो कुछ विधाता ने ललाट में प्रथम ही लिख दिया है उसको कौन मिटा सकता है। इति दैव प्रशंसा। Is it the fault of spring that there should be no leaves on the karira bush? If the owl cannot see by day, is it the fault of the sun?
What fault is it of the cloud that the current of rainwater does not fall into the mouth of the chataka? Who can wipe off whatever is already written on the forehead by the Creator? End of Daiva Prashamsa, narrated by Sundar Hatangdi, Michigan, USA. Kathakathan, Sundar Hatangdi, Michigan, Uttar America.